नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। और हमारे चैनल को मजबूत करने के लिए हमें एक लाइक करें, हमारे चैनल को दूर दूर तक शेयर करें ताकि आपसे जुड़ी खबरें हम आप तक पहुँचा सकें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद, थाने में ही दबंगों ने पीड़ित को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया। आपको बता दें कि दबंगों के हौसले इतने बुलंद कि शिकायतकर्ता को केसरबाग कोतवाली के अंदर ही मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया। पीड़ित ने एक वीडियो बनाकर अब सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। आरोप है कि पिछले 4 महीने से पुलिस उसकी तहरीर पर कार्रवाई भी नहीं कर रही है। वहीं पर पीड़ित ने बताया कि पुलिस सुलह का दबाव बना रही थी, तो जब दोनों पार्टी सुलह के लिए सामने बैठी तो आरोपी पक्ष ने पीड़ित पर ही जानलेवा हमला कर भद्दी भद्दिया गाली देने लगा। लखनऊ पुलिस का कोई भय न अपराधियों में नहीं है, क्योंकि थाने में कार्रवाई नहीं, सुलह समझौता कराने के नाम पर दबंगों द्वारा पीड़ित को पिटवा दिया जाता है। आला अधिकारी इस मामले पर मौन नजर आ रहे हैं। अब देखने की बात है कि वीडियो वायरल होने के बाद आखिर किस तरह की कार्रवाई होती है। उसके साथ साथ पीड़ित का आरोप है कि केसरबाग पुलिस बता रही है कि अब दोनों पक्षों को ही बंद किया जाएगा, जबकि पीड़ित संजय की शिकायत पिछले 4 महीने से थाने पे हिचकोले खा रही है, लेकिन फिर भी केसरबाग पुलिस कार्रवाई के नाम पर पीड़ित को ही दबा रही है। रजत एक्सप्रेस न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। मैं संजय सोनकर, मैं मेरे बुआ के लड़के ने बगल की लड़की से 4 महीने शादी करी, पहले शादी करी थी, और जिसके सब कुछ कंप्रोमाइज़ हो गया था, सब कुछ बातें हो गई थाने में, सब जगह हो गई थी, और लड़की वालों को शर्तें थीं कि लड़का लड़की यहाँ नहीं रहेंगे, उन लोग को मैंने अलग रखवा दिया था। उसके बाद भी वो लोग गाली गलौज कर रहे थे, और उसके बाद गाली गलौज बकते दे लिए, और हमने कई जगह अपनी रिपोर्ट भी लगाई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थी, मेरे फूफा ने लगाई, मेरे बुआ के लड़के ने लगाई, कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर अभी हमने एक IGRS डलवाई, बुआ के लड़के ने डाली है, उसकी सुनवाई हुई थी। लड़की पक्ष के दो चाचा के लड़कों को पकड़ के पुलिस लेकर के आई थी। आज दरोगा जी सईद अहमद ने हम लोग को बुलवाया था बातचीत करने के लिए, मैं बातचीत करने के लिए यहाँ थाने में आया था। हमारे समाज के बड़े चौधरी लोग भी थे, बस बातचीत हो रही थी। बातचीत होते होते जो मेरे लड़की पक्ष के दो भाई हैं आर्यन रानमू, उन दोनों ने मेरे ऊपर किसी चीज़ से हमला बोल दिया, मेरा सर फट गया, मेरी भौं फट गई है। और मैं महोदय आपसे निवेदन है कि मुझे इसका न्याय चाहिए, और बस कुछ नहीं चाहिए मैं आपसे इस चीज़ का न्याय कि इन्होंने थाने में मेरे ऊपर हमला बोला है, थाने के अंदर पुलिस के सामने मुझको मारा है इन्होंने। इनकी इतनी हिम्मत है थाने में मार सकते हैं तो ये बाहर कुछ भी कर सकते हैं, इतने बड़े गुंडे हैं, इतने बदमाश हैं, इसकी मुझको न्याय चाहिए बस।